अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और 12वां साइड में आपको बता देता हूँ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हैदर अली, फखर जमान, शुएब मलिक, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, शहीन शाह और हसन अली। थैंक यू सो मच। सुहेल इमरान, कैन यू आस्क द क्वेश्चन एंड देन मोहित शाह। एक्सक्यूज मी बाबर, मैं ये जानना सुहेल भाई, चाहूंगा। प्लीज वेट, सुहेल भाई प्लीज वेट, लेट मी म्यूट एवरीवन। जी सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। बाबर, मैं आपसे ये वालेकुम जानना चाहूंगा, अभी जो 12 रुकनी स्क्वाड का आपने अनाउंसमेंट किया है, एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि जैसे रिजवान है या और एक दो सीनियर खिलाड़ी हैं वो रेस्ट करेंगे ताकि अगला जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी प्लानिंग अभी से शुरू की जाए, नया कम्बिनेशन आजमाया जाए, मुसलसल आप लोग खेलते भी आ रहे हैं। तो क्या जहन में आपके था कि एक बांग्लादेश की टीम उतनी फोर्सफुल नहीं है, उतनी उसमें कुव्वत नहीं है जितनी कि हम, शकिब नहीं है, तमीम नहीं है, मशफीक भी नहीं है वहां पे, तो क्या जहन में है आपके लोगों में कि किस तरह इस सीरीज को फोर्सी कर रहे हैं आप? देखें, जिस तरह हमारा जो वर्ल्ड कप का मोमेंटम चलता आ रहा है तो उसको हमने कंटिन्यू किया, और कोशिश यही है कि हम एक डिफरेंट कम्बिनेशन खिलाएं। जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारी उसको भी ट्राई आउट किया जाए, और मेरे ख्याल से देखें, इसके बाद हमारा वेस्ट इंडीज टूर भी है और मेरे ख्याल से टोटल 6 मैचेस हैं, तो डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई आउट करेंगे। और मेरे ख्याल से आप, जो आपका एक मोमेंटम मिला हुआ है, जो आपको एक चीज मिली हुई है, उसको आप एकदम साइड पे नहीं कर सकते, या आप पूरा अपना जो मेन प्लेयर है उनको बैठा नहीं सकते, क्योंकि आगे हमारे टेस्ट मैचेस भी हैं, बांग्लादेश के इनके साथ भी मैचेस हैं, तो आप होम सीरीज है ये, तो उनको आप इजी नहीं ले सकते कि उनके बाकी प्लेयर्स नहीं है, तो उनकी टीम इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मेरे ख्याल से सब उनके सीजन वाले प्लेयर हैं, और डोमेस्टिक और वो जो उनकी बीपीएल चलती है वो सारे खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से आप उनको इजी नहीं ले सकते। बाबर सलाम अलैकुम। आपने कहा इजी नहीं ले सकते, इन्होंने बिल्कुल प्रूव किया पिछले कुछ अरसे में, 2-3 साल में, कि वहां जो टीम गई उसको बड़ा टफ टाइम दिया और बड़ी बड़ी टीमों को इन्होंने हराया। तो आप कैसे देखते हैं ऐसी ट्रिकी पिचेस पे, जो बांग्लादेश की पिचेस हैं, सीरीज और फिर टेस्ट मैचेस जो हैं, इसका जरा थोड़ा सा बता दें कि किस तरह तैयारी है और कैसा देख रहे हैं? देखिए, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और 3 दिन हो गए हैं, और जैसे टीम काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कर रही है, कंडीशंस को यूटिलाइज कर रही है जितना भी हमें टाइम मिला, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 1-2 दिन बारिश होती रही है, वो हमें प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, और जितना भी टाइम मिला हमने यूटिलाइज किया, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट में, और जो हमें मोमेंटम मिला है और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी पे रहेंगे, और कोशिश करेंगे जो जिस तरह की क्रिकेट हमने वर्ल्ड कप में खेली है उसी को कंटिन्यू करें और रिजल्ट अपने हाथ में लें। थैंक यू जी। इमरान और फिर सबा पाशा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बाबा भाई। वालेकुम। ये जब से आप वहां गए, कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये पाकिस्तान टीम झंडा क्यों लगा रही है ट्रेनिंग सेशन के दौरान। कल उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी बयान आया, तो इसको आप कैसा देखते हैं? क्या आप लोगों से भी कोई बात हुई है उनकी? इमरान, इसका आंसर मैं करूंगा, और इसका आंसर यही है जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि सकलैन मुश्ताक, जब से उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है, ये उनकी कोचिंग फिलॉसफी है, और वो यही समझते हैं कि जो
जो झंडा है वो वहां पे जब फील्ड में लगा होता है तो वो एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है प्लेयर्स के लिए। तो इनकी कोचिंग फिलॉसफी, और हम जब से कर रहे हैं, जब से सकलान मुश्ताक ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, चाहे वो न्यूजीलैंड सीरीज थी पाकिस्तान में, चाहे वो वर्ल्ड कप था, और चाहे वो बांग्लादेश सीरीज है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन सबा। सभा को शायद आवाज नहीं आ रही। बदी भाई और फिर अब्बास रजा। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? जी जी आ रही। अच्छा बाबर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि बांग्लादेश में कोविड के बाद फर्स्ट टाइम जो है वो क्राउड है इस बार, और आपने वर्ल्ड कप में भी क्राउड था लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी भी फैंस थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बांग्लादेश के ही फैंस होंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से जब भी हम प्रैक्टिस के लिए गए हैं और पूरी सड़कों पे लोग खड़े हैं, हमें चेयर अप कर रहे हैं, हाथ वेव कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के अलावा हमारे भी काफी सपोर्टर हैं, और काफी अगर हम प्रैक्टिस में भी, प्रैक्टिस एरिया में भी जा रहे थे तो वो लोग हमें देख रहे थे, चेयर अप कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से कोविड के बाद अगर क्राउड अलाउ हुआ है तो मेरे ख्याल से काफी खुशहाल बात है, और एज अ प्लेयर, एज अ टीम हम काफी एंजॉय करेंगे। और बांग्लादेश में हमेशा ही जब भी आते हैं तो क्राउड ने हमेशा चेयर अप किया, और ये नहीं कि अपनी टीम को, पाकिस्तान टीम को भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया, और ये चीज काफी अच्छा लगता है और हेल्प मिलती है। अब्बास रजा जी। बाबर, मेरा सवाल ये था कि आगे जाके वर्ल्ड कप आ रहे अगले साल, कुछ पर्सनल गोल्स भी होते हैं, आपकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस तो वैसे बहुत अच्छी जा रही है चश्मे बदूर, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि कोई ऐसा एरिया है जिसमें आप चाह रहे हो, आप खुद चाह रहे हो कि मैं इसमें ज्यादा इम्प्रूव करूं, अपनी पर्सनल बैटिंग के हवाले से मैं पूछ रहा हूं। देखें, इम्प्रूवमेंट की हर वक्त जरूरत होती है, और मैं किसी भी टाइम पे ये नहीं सोचता कि मेरी हर चीज परफेक्ट है। मैं हर मैच के बाद एनालाइज करता हूँ अपनी बैटिंग, और जो भी मैं इवन के ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, जितनी भी इवन के प्रैक्टिस में, तो मेरे ख्याल से 50-60% मिस्टेक्स होती ही रहती हैं, तो कोशिश यही होती है कि उसको जितना जल्दी रिफिल करूँ, वो मेरे लिए अच्छा है। और मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि यार मेरा हर चीज़ 100% है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से डे बाई डे आपको नए चैलेंजेस मिलते हैं, नई जगह पे जाते हैं, नई कंडीशंस में जाते हैं, आपको उसमें अडोप्ट करना पड़ता है अपने आप को, वहाँ पे कैसे आपने खेलना है, कैसे आपने कंडीशंस को देख के प्लानिंग करनी है, तो वो सारी चीजें आपके डे बाई डे, दिन ब दिन आपको कोई ना नया चैलेंज आता रहता है, और मेरे ख्याल से सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। उस्मान खान एंड देन आतिफ आजम प्लीज। जी बाबर, क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी कैंपेन रही है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की, और इस दौरान आप क्या समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप में आपको क्या पॉजिटिव आए, और इन पॉजिटिव को जो पाकिस्तान का आगे अगला वर्ल्ड कप आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके अंदर क्या समझते हैं आपके स्क्वाड यही लेके चलेंगे, शुएब मलिक और हफीज आपके साथ होंगे, आप जा रहे हैं ऐसा, या फॉर्म के साथ देखेंगे? सर अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ये कहना कि क्या टीम होगी, किस प्लेयर के साथ हम जाएंगे, अभी वो पूरा साल पड़ा हुआ है और उस पर हम पूरी प्लानिंग करेंगे, जब वापस जाएंगे बैठेंगे सिलेक्टर के साथ, तो अपना मैं जो मेरा सवाल है या जो मेरे जहन में है कि किस तरह हमने जाना है, तो वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा और उनकी सुनूंगा क्या वो, उनका क्या माइंड है। तो मेरे ख्याल से जो हमारी ऑन द डे जो हमारी सीरीज आ रही है, सीरीज टू सीरीज अभी फोकस कर रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप पे हम प्लानिंग करेंगे जब हम बैठेंगे सब सारे, तो कोशिश यही है कि जो सीरीज में उसमें 100% दें, और जो हमारा वर्ल्ड कप का मोमेंटम जिस तरह हमें मिला है उसमें पॉजिटिव चीज़ यही थी, जो हमारी टीम एक यूनिट होके खेली है, जैसे लड़कों ने रिस्पॉन्स दिया है, जैसे लड़कों को कॉन्फिडेंस मिला है उस चीज से, तो कोशिश यही होती है कि इसी चीज को कंटिन्यू किया जाए। क्लैरिटी बहुत जरूरी है, जो एक क्लैरिटी है ना, एक रोल देना बहुत जरूरी है, और जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपने कैसे खेलना है या आपने कैसे जाके मैचेस में अपनी गेम अप्लाई करनी है और सिचुएशन के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से जब आपके प्लेयर्स के माइंड क्लियर होंगे तो आपके लिए इजी सब चीजें होती। आतिफ भाई एंड देन समीउर रहमान।
आतिफ आजम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Okay, Sami, you can ask the question. Sami Rahman. Yes, Babar, are you listening? Yes, I am. Yeah, okay, Babar. Pakistan's World Cup tour has been quite a good achievement. Like, you have lost in the semifinal, but you have played, won all the group matches, Super 12 matches. But Bangladesh had a very opposite World Cup because they lost all the matches in the Super 12 and they played quite pathetically. But before that, in the same pitch where you are going to play tomorrow, like, they have beaten New Zealand and Australia, but they have a very different sort of results back in here. So what are your plans for this sort of wickets, and what do you think about the wicket? Because you cannot score in plenty in this sort of wicket, according to previous matches. Similar to UAE, Pakistani victor se kafi relate karti hai, aur जितना दे जितनी भी हमने प्रैक्टिस की है, बिल्कुल इधर रन वैसे नहीं होंगे जैसे यूए में हुई है, लेकिन इसमें यही है कि जितना आप अपने आप को एज अ टीम और एज अ बैटिंग यूनिट आप विकेट इन हैंड रखेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा बाद में जाके, कि जब आप जिस तरह वर्ल्ड कप में भी कोशिश मारी यही थी कि जितना हम विकेट इन हैंड में रखेंगे बाद में हम आखिरी 7 से 8 ओवर यूटिलाइज करते हैं, मैक्सिमम कर लेते हैं, तो यही प्लानिंग होगी कि जितना हम विकेट इन हैंड में रखेंगे उतना हमें यूजफुल होगा। समीर और रहमान, आर यू हैप्पी विद द आंसर? डू यू वांट? ओके, यू हैप्पी विद द आंसर? नो नो नो, या आई एम हैप्पी, ओके, थैंक यू। साकिर, कैन यू आस्क द क्वेश्चन? साकिर, यस इब्राहिम भाई, आई एम गोइंग ऑन। बाबर, I think you know the result of Australia and New Zealand that played Bangladesh before the World Cup. So do you think that the wicket is going to be the same in this series also? And another question is, are you in good touch as you have won all the 5 matches in the group stage of the T20 World Cup? कंडीशंस मेरे अभी तक मैंने विकेट देखी नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, मे बी वैसी विकेट हो, डिफरेंट विकेट हो, क्योंकि ढाका में मैं जितने भी मैच खेला हूँ थोड़ा सा स्लो और थोड़ा स्पिनर को हेल्प मिलती है, लेकिन वो मेरे ख्याल से मैं BPL खेला था और वो उससे बाद इस बात को मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए, और अभी जब आज जाके देखेंगे तो मेरे ख्याल से फिर प्लानिंग करेंगे कि यहाँ पे कैसे खेलना है, और दूसरा क्या? अपने लिए इंडिविजुअल आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि रिकॉर्ड काफी आपने? इंडिविजुअल एज अ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह काफी शुक्र अदा करता हूँ, और जो अचीव किया है उस पे यही है कि जो हार्डवर्क था, जो बिलीव था, और उसी को कैरी ऑन करूंगा, जो मोमेंटम, जो कॉन्फिडेंस है उसी को कैरी ऑन करूंगा, और लेकिन वो पास में है, फ्यूचर में जो सीरीज आ रही है उस पर फोकस करूंगा, क्योंकि नई जगह नई सीरीज है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट और डिफरेंट प्लानिंग से खेलना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन मोजमुद्दीन। बाबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, आप वर्ल्ड कप के 5 मैचेस जीते, उसके बाद सेमीफाइनल मैच आप हार गए, हमने देखा कि आपने टीम को यही कहा कि इस माहौल कैसा है, आप एक नई सीरीज खेलने जा रहे हैं, लास्ट मैच हारने के बाद इस टीम ड्रेसिंग का माहौल कैसा है, लड़के इस टाइम कितना कॉन्फिडेंट है, और आप खुद एज अ कप्तान कितने कॉन्फिडेंट हैं सीरीज को लेके? देखें, बिल्कुल दुख हुआ था जिस तरह हमारा थ्रू आउट वर्ल्ड कप चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल हम हार गए, बिल्कुल उस चीज का काफी दुख होता है, पूरी टीम को दुख हुआ, लेकिन उसके बाद जब हम बैठे सारे बात की, जो हमारी मिस्टेक्स उस पर हमने डिस्कस किया, उस पर हमने चीज़ों को डिसाइड किया कि कहाँ पे हमने गलती की, कहाँ पे हम बेहतर कर सकते थे, क्या किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस सब चीज़ों पे बात हुई, और जहाँ तक रही कॉन्फिडेंस की बात, बिल्कुल पूरी टीम को कॉन्फिडेंस में और बिलीव है एक दूसरे पे, और उसी मोमेंटम को कोशिश मैंने यही की है कि उस मोमेंटम को टूटने ना दिया जाए,
और देखें यही टाइम होता है जब आपकी टीम गिरी और आपको बैक की जरूरत होती है, और वही कोशिश यही है कि उनको बैक किया जाए। और सब प्लेयर इतने एक्सपीरियंस हैं, उनको पता है कि ये चीजें होते रहती हैं, लेकिन इसके साथ अपने आप को उठाना कैसे, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट में, और इसी कॉन्फिडेंस को लेके हम कल उतरेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। पाकिस्तान टीम विल ट्रेन 1:30 लोकल टाइम, टुमारो वी हैव अ मैच एट 2 PM लोकल टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।